नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नवादा दौरे का एनालिसिस करेंगे। हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि कैसे चर्चित आईएएस अधिकारी के पाठक के जाल में 4 स्कूलों के प्रिंसिपल, 2 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी फंस गए। दरअसल अपर मुख्य सचिव के पाठक जब नवादा पहुंचे तब उनका भव्य स्वागत हुआ। रात्रि में डाइट में ट्रेनी शिक्षकों को एक गुरु और अभिभावक के तौर पर मोटिवेट करने का काम किए। सुबह की शुरुआत नवादा नगर के प्रोजेक्ट इंटर स्कूल से हुई। हालांकि इस स्कूल के निरीक्षण में शौचालय की बदबू को छोड़ बाकी पठन पाठन, पुस्तकालय, खेल मैदान और लैब आदि की व्यवस्था पर संतोष जताया। तब तक शिक्षा विभाग के अधिकारी काफी अच्छा महसूस कर रहे थे, लेकिन के पाठक के एक बदलाव ने शिक्षा विभाग की सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। दरअसल निर्धारित रूट के मुताबिक के पाठक का नवादा से खराट होकर वारसलीगंज इलाके में निरीक्षण का कार्यक्रम था। बुनियादी विद्यालय दरियापुर, प्राथमिक विद्यालय शेखपुरवा, इंटर विद्यालय माफी और मध्य विद्यालय बल्लभपुर जैसे कई स्कूलों के नाम लिस्ट में थे। इसके बाद शेखपुरा जाना था, लेकिन के पाठक ने अपना रूट बदल दिया। वे खराट के बजाय कादिरगंज के रास्ते निकल गए। फिर स्कूलों की ऐसी कुव्यवस्था देखने को मिली जिसका कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। के पाठक 3 प्रखंडों के कुल 9 स्कूलों का निरीक्षण किए, जिनमें 4 में भारी कुव्यवस्था देखने को मिली, जिसके कारण 4 प्रिंसिपल नप गए, 2 बीओ भी नप गए और जिला शिक्षा पदाधिकारी के वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी गई। हालांकि प्रिंसिपल और अधिकारियों पर कार्रवाई की बात लोग जान चुके होंगे, लेकिन हम इस रिपोर्ट में यह बताना चाहेंगे कि आखिर किस वजह से एक कार्रवाई हुई ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके और दूसरे शिक्षक इस कार्रवाई की जद में नहीं आए। दरअसल हर स्कूल में कुव्यवस्था की अलग अलग कहानियां थी। पौरा में साफ सफाई की घोर कमी थी। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल हाजीपुर में बच्चों की संख्या कम थी, जबकि नवसृजित विद्यालय अब्दालपुर मुसहरी के 3 कमरे के स्कूल में एक कमरा बंद था और दूसरे कमरे में बच्चों के बीच बटने वाली सर्वशिक्षा अभियान की किताबें पड़ी थी। वहीं प्राथमिक विद्यालय मुतलिपचक में साफ सफाई, शौचालय की व्यवस्था दयनीय थी। 2 कमरे थे, फिर भी ओसारा में पढ़ाई की जा रही थी। स्कूल में राशि उपलब्ध थी, बावजूद काम नहीं किए जा रहे थे। के पाठक ने मौजूदा प्रिंसिपल का वेतन बंद करते हुए दूसरे को प्रिंसिपल बनाए जाने का निर्देश दिया। मुतलिपचक के अलावा पौरा, हाजीपुर और अब्दालपुर मुसहरी के प्रिंसिपल के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। यही नहीं, नवादा और वारसलीगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी गई। अधिकारियों को शिक्षा विभाग के लक्ष्य के अनुरूप समय पे कार्य नहीं कराए जाने और निरीक्षण में कमी के आरोप में कार्रवाई की गई। सबसे अधिक चौंकाने वाली तस्वीर पकरी वरामा इलाके में मिली, जहाँ तरहरा नवसृजित प्राइमरी स्कूल खलिहान में चल रहा था। 106 नामांकित बच्चे थे, जिनमें 47 उपस्थित थे। के पाठक ने 2 दिनों के भीतर फैब्रिकेटेड विद्यालय भवन सुनिश्चित कराने को कहा है। उन्होंने DDC को तत्काल 2 कमरे का निर्माण शुरू कराने को कहा है। प्राथमिक विद्यालय भलुआ की स्थिति भी चौंकाने वाली थी। 112 नामांकित बच्चों में 70 बच्चे उपस्थित थे, लेकिन इस स्कूल में 2 कमरे और शिक्षकों की संख्या 10 थी। उन्होंने DO को तत्काल बच्चों के अनुपात में शिक्षकों का समायोजन करने का निर्देश दिया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बुधौली पहुंचे, जहां विद्यार्थियों की संख्या 544 थी, लेकिन शौचालय का मात्र 2 यूनिट था। उन्होंने अधिकारियों को स्कूल के मैदान को समतल बनाने और 4 यूनिट शौचालय निर्माण कराने का निर्देश दिया। देखें तो कुल मिलाकर के पाठक के नवादा के पूरे दौरे की बात करें तो उनका फोकस शौचालय, साफ सफाई, खेल मैदान पर अधिक दिखा। इसके अलावा दस्ता मिशन के तहत कमजोर बच्चों को पढ़ाने, शनिवार को परीक्षा और अभिभावकों से गोष्ठी जैसी चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। इसके अलावा समाज में शिक्षकों की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े और ग्रामीण क्षेत्र में पठन पाठन कैसे दुरुस्त हो, इस पर अधिक बात कर रहे थे। वैसे तो के पाठक के आगमन को लेकर अधिकारी पहले से काफी सतर्क थे, लेकिन के पाठक के एक बदलाव ने शिक्षा विभाग की सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया।